नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं साक्षी शर्मा। हरियाणा में लोकसभा चुनावों को लेकर रस्साकशी का माहौल शुरू हो गया है, समीकरण भी बनने शुरू हो गए हैं। अलग अलग राजनीतिक दल जो हैं लोकसभा क्षेत्रों में अपने वर्चस्व की लड़ाई जो है वो लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ तक बात भारतीय जनता पार्टी की करें तो भारतीय जनता पार्टी भी इस बार फिर से 10 लोकसभा सीटों पर जीत के जो टारगेट है उसके साथ मैदान में उतरी है, और इसी को लेकर लोकसभा वार जो रैलियां हैं वो भी की जा रही हैं। अब तक जो टारगेट था वो अचीव कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। 10 में से 9 लोकसभा क्षेत्रों में जो रैलियां हैं वो हो चुकी हैं, और इसमें केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ ही प्रदेश का जो नेतृत्व है उसके दिग्गज लीडर्स जो हैं वो मैदान में उतरे हुए नजर आए। और अब इसीलिए बीजेपी ने ये तय किया है कि इन रैलियों में सबसे अच्छा काम करने वाले जो नेता हैं उनका एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा और उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा, उन्हें कहीं ना कहीं तवज्जो जो है वो भी दी जाएगी। आपको ये भी बता दें कि इन सभी जो रैलियां हुई हैं कुरुक्षेत्र को छोड़कर, कुरुक्षेत्र की रैली जो है वो आगामी लोकसभा क्षेत्र की रैली आगामी कुछ दिनों में होगी, लेकिन जिन 9 लोकसभा क्षेत्रों की जो रैलियाँ हैं वो हो चुकी हैं, इनका एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है। और सभी वो आम नेता, सांसद, मौजूदा सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं, विधायक हैं, जिन्होंने भी इन रैलियों को संभव बनाने में और ज़्यादा भीड़ जुटाने को लेकर जितना भी प्रयास किया है वो सब एक रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा, और ये रिपोर्ट कार्ड दिल्ली तक भी जाएगा। 5 तारीख को झज्जर में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने एक मीटिंग भी बुलाई है, काफ़ी अहम मीटिंग जो है ये मानी जा रही है, और इस मीटिंग में भी इन 9 लोकसभा क्षेत्रों में की गई जो रैलीज हैं इनकी समीक्षा की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि जो 9 रैलियाँ अब तक हुई है इसमें सिरसा की जो रैली हुई है, सिरसा और गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र की जो रैली हुई है ये सबसे टॉप पर रही है, और सबसे ज़्यादा अच्छी सफल रैली जो है वो सिरसा की जो रैली है उसमें मानी जा रही है, जिसमें रिकॉर्ड तोड़ लोगों की जो भीड़ है वो वहाँ पर देखने को मिली, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस रैली में मौजूद थे। अभी आगे देखना होगा कि किन किन जो नेता हैं उनको इन रैलियों में भीड़ जुटाने को लेकर या अपना ज़्यादा से ज़्यादा योगदान जो है वो देने को लेकर, मेहनत करने को लेकर उनका नाम जो है वो आगे जाता है और किसके रिपोर्ट कार्ड में कौन सा ग्रेड सामने आता है। नमस्कार।